अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बेसन की बूंदियों के दही बड़े दो डिफरेंट स्टाइल में। तो मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप बेसन, नमक मैंने लिया है हस्ब ज़रूरत, 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है लाल मिर्चें और 1 चुटकी मैंने लिया है मीठा सोडा। सबसे पहले मैं बेसन में सारे मसाले शामिल कर रही हूँ। मसाले को मैं पहले बेसन में मिक्स कर लूँगी। अब मैंने 1 ग्लास लिया है पानी, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूंगी और एक स्मूथ सा बैटर मैं तैयार कर लूंगी। बैटर ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिक। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करते रहेंगे। तेल हल्की आंच पे थोड़ा गरम कर लिया है, तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है वरना जो ये बेसन की बूंदियाँ हैं वो ऊपर से इस पे कलर आ जाएगा पर अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। बूंदियाँ हम हाथ से भी बना सकते हैं या फिर चमचे की मदद से भी बना सकते हैं। बूंदियों को मैं फ्राई कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने एक बाउल में लिया है पानी, उसमें मैं बूंदियाँ शामिल कर दूँगी और इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। बूंदियाँ इस तरह नरम होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अब 2 प्याले लिए हैं, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी बेसन की बूंदियाँ। बची हुई बूंदियों को आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये आराम से 1 हफ्ता चल जाती हैं। अब हम इसकी दही तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ 1 पाव दही, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून चीनी, 3 लहसुन, नमक और 1/2 कप मिल्क। इस सब को हम ब्लेंड कर लेंगे। अब बूंदियों पे मीठी दही डाल देंगे। मीठे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ दही बड़ों का मसाला। अब मैं बना रही हूँ हरे मसाले के दही बड़े, उसमें मैंने दोबारा से 1 पाव दही ली है, 1 मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च, 1/2 प्याली मैंने ली है पुदीना, 1 प्याली मैंने ली है धनिया और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। इस सबको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं बूंदियों पर हरे मसाले का दही डाल रही हूँ। मीठे और हरे मसाले के दही बड़े तैयार हैं। घर की बूंदियों के दही बड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि बूंदियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि किस तरीके के दही बड़े बने हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।